So hi guys, my name is Rajat Chauhan, and before I start, I would like to tell something about myself. Like, I'm a very emotional guy. Like, मैं बहुत emotional हूँ. मतलब मुझे ना life में मैं कभी भी किसी को ना नहीं कह पाता किसी चीज़ के लिए. So now I have 3 girlfriends and 2 boyfriends. So life काफ़ी sorted है मेरी. अच्छा, इंडिया में कितनों को लगता है कि सेक्स एजुकेशन नहीं है? Give me a cheer. Because the irony of sex education in India is कि जिनको sex मिल रहा है वो educated नहीं है और जो educated है sex मिल नहीं रहा है वो बेचारे शादी.com पे गोत्र मिला रहे हैं. ये है इंडिया. Like मेरी sex की education ना मेरी maths की teacher ने दी थी. Clerical threesome करके आना. And like मैम मैं नहीं कर पाऊंगा ये. अभी मैं इतना ग्रो नहीं हुआ. मैं एक्चुअली इधर देख किसलिए बात कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पेरेंट्स बैठे हुए हैं. बट मैम मतलब आप सुन पा रहे हो बातें. जनरली क्या होता है, जैसे आई डोंट अब्यूज ऑन स्टेज, बट जैसे होता है ना, मैं तो गिव अ ग्रेट राउंड ऑफ अप्लॉज, सुन रहे हैं बातें. क्योंकि मैं बताता हूँ रिसेंटली एग्जाम्पल क्या हो. थोड़े साल एक दो साल पहले ना एक मूवी आई थी बैंग बैंग, यू नो मूवी बैंग बैंग. तो बैंग में मूवी में मैम आगे ना मतलब पापा मम्मी बच्चे बैठे हुए थे. तो उस मूवी में क्या होता है और मैं पीछे बैठा था, तो अचानक ना उसमें एक सीन आता है जिसमें कैटरीना कैफ और ऋतिक रोशन का व्यवहार वाला सीन आता है. वो व्यवहार होने कोलैबोरेशन होने वाला था. तो उतने में पापा इधर मुड़ गए, कह रहे बेटा मैथ्स का होमवर्क हो गया तेरा, हिंदी का, साइंस का, ड्राइंग का. देखो वहां से आने के बाद यहां देखते हो तो अच्छा लगता है. अरे कोई एमबीए आप में से यहाँ पे? कोई एमबीए? ओके, पीपीटी बना रहे होंगे बैठ के. बेसिकली एमबीए होती है मतलब वो ना माँ बाप का पैसा बर्बाद करना और फिर क्लाइंट का पैसा बर्बाद करना, ये होती है एमबीए. एमबीए पीपल डर. मार्केटिंग में क्या होता है, लोग ना पैसा वेस्ट करते हैं होर्डिंग्स में, होर्डिंग्स, एड्स, सब तरह से. जैसे मैं कह रहा हूँ क्यों कर रहे हो इतना पैसा खर्च? अगर आपको सच में एक ब्रांड प्रमोट करना है तो पुट इट इन एनी पंजाबी सॉन्ग. गलत बोल रहा हूँ? लाइक कुड़ी कहती जैगवार ले लो, प्लेस योर ब्रांड. कुड़ी कहती कैंडा फिनाइल ले लो. फिर जितना मर्जी प्यार ले लो, बंदा गेंडा फिलहाल ले लेगा. और कोलैबोरेशन है, देखो उनके पास भी ब्रांड खत्म हो गए हैं, समझ रहे हो? वो उतर आ चुके, नीचे उतर चुके हैं. वो है ना उनके उनके में ना कार के पार्ट्स आने लगे हैं. तेरा एम्पलीफायर बुफर सोनी है, टायर ट्यूब तो मैं ट्यूब सोनी है, तू हॉर्न तो मैं हॉर्नी सोनी. देख रहे हो आप, ये उनके वर्ड्स. तो आपका ब्रांड सूट करेगा उनको, क्यों नहीं कर रहे आप लोग प्रमोट उनके साथ? और भाई ब्रांडिंग वालों ने कमाल कर रखा है. एक ना टीवी, और टीवी भी कोई अछूता नहीं है इन चीज़ों से. टीवी पे आता है एक शो महाराणा प्रताप, यू हैव सीन दैट शो महाराणा प्रताप. ऐसा अमूल माचो प्रेजेंट्स महाराणा प्रताप. महाराणा प्रताप भी घोड़े से कह रहे हैं बड़े आराम से. और रेडियो, ओहो रेडियो सुनते हो आप लोग? कितने लोग रेडियो सुनते हैं? और गाड़ी किसी के पास भी नहीं है. बिकॉज वट आई हैव सीन इज कि रेडियो इज ऑल अबाउट बिल्डर एड, एक सॉन्ग, बिल्डर एड, एक सॉन्ग और बिल्डर एड. उस चक्कर में ग्रेटर नोएडा बस गया, तुम्हें पता है? यू नो ग्रेटर नोएडा? ग्रेटर नोएडा के बाद यूरोप है. वहां की करेंसी दिनार चल रही है, पता आपको? सब वहां पर कोई बंदा रहता ना, कभी गर्लफ्रेंड को बोलता आई लव यू टू द मून, वापस नहीं आऊंगा मैं दिल्ली. फिर दिल्ली में सेटल हो जाऊंगा, वहां नहीं आना वापस. तो सब मतलब इतना कहां से कर रहे हैं ना वो लोग. और ब्रांडिंग यार बड़ी सी चल रही है. अरे रेडियो पे तो एक अलग लेवल पे आ गया है. एक रेडियो पे आते हैं और रेडियो में देखा तुमने कभी भी वो सब चीजें एक लाइन में बताते हैं? लाइक सुरेश तुम इतने परेशान क्यों हो? अरे परेशान हो तो क्या करूं, कब तक रहूंगा किराए के घर पे? तो क्यों नहीं लेता अजनारा पैटर्न 40 एकड़ में फैला हुआ 2 BHK फुली फर्निश्ड मकान? और यही नहीं, अभी बुक करने पे मिल रहे ढेर आकर्षक इनाम और सोने के सिक्के. सुरेश तू कहां काम करता है? अजनारा में. उसमें करण जौहर आ गया, तुम्हें पता रेडियो में करण जौहर आ गया है? यू नो दैट करण जौहर? यू नो करण जौहर हार्दिक पांडे का करियर खा गया. द कार नीली उस बंदे ने, समझ रहे हो तुम्हें? बट आप से कितने लोग मैराथन में पार्टिसिपेट किया कभी? आपने किया कभी मैराथन में पार्टिसिपेट? नहीं किया. वेले लोग कर रहे हैं संडे को सुबह सुबह. वो चीज मैं बता रहा हूँ, मैंने इस बार पार्टिसिपेट किया. बहन सुनो मेरी बात, तुम ढंग से सुनना. मैराथन में क्या होता है, लाइव दिखा रहा हूँ लाइव क्या होता है.
एक लाइन से 100,000 लोग लगभग भागते हैं, डन। उसके 200 मीटर के बाद सिर्फ 50,000 रह जाते हैं। उसके 200 मीटर के बाद सिर्फ एक ही बंदा भाग रहा होता है, वो भी केनिया का, क्योंकि हम सब निकल जाते हैं पुरानी दिल्ली पराठे खाने। यू वोंट बिलीव, मतलब ना वो बंदा एम्स के फ्लावर में घूम गया, यहां हमारा पराठा पे मक्खन घुल चुका है। वो जैसे तैसे ना मालवीय नगर पहुंचा, दो लड़कियां खड़ी थी रोड पे, उनसे बोला एक्सक्यूज मी, तो वो कह रही है वी डोंट नीड कोकेन, हमारा डीलर तो बंधा हुआ है। वो जैसे तैसे कहीं पहुंच कर पोडियम तक पहुंचा है, तो पोडियम पर 1, 2 और 3, वो 1 पे खड़ा है, 2 और 3 पे लोग ही नहीं है। वो तो भला 2.5 घंटे बाद 2 लोग पराठे खाते हुए थे ई रिक्शा से, तो उनको खड़ा किया उन्होंने साइड में। हैव यू ट्रैवल्ड बाय ई रिक्शा? ओहो।